नमस्कार। मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ कि मैं भी शामिल होना चाहती हूँ इस टीम में। मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। इफ यू गिव परमिशन टू मी। अच्छा, तो वेलकम वेलकम, यू आर वेलकम। जो भी अपना योगदान देना चाहता है जनता के अदालत में, सभी के लिए वेलकम है, प्लीज कम आइट। और एक बात, सारा देश एक बार जरा अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे भी चले जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पूरे दुनिया भर में पूरे मानव जाति के लिए क्या काम हुआ है। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, एक बार आप अवेकन इंडिया मूवमेंट का वेबसाइट भी देख लीजिए। संगठन का सॉन्ग अभी आने वाला है, वो सुनेंगे। लेकिन आप बोलना चाहते हैं कुछ? वन मिनट। मेरा नाम एमपी सिंह, एडवोकेट। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। और ये जो मुहिम सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, जनता की महाअदालत, शायद मैं ये सोच रहा था जो रियल बात, ट्रुथ, दिल की बात, जनता की महाअदालत कोई सेमिनार कुछ इस टाइप का जो मैसेज आया, हमारे मित्रों ने बताया, तो मैंने कहा जाना चाहिए। जनता की महाअदालत ये क्या है? लेकिन यहां आकर के जो चीज मुझे एक नया, एक मार्गदर्शन, एनलाइटनमेंट मिला, वो मैं अपने हृदय से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। इसके ऊपर कोई न्याय का मंदिर नहीं है। लेकिन उस अगर वो भी ठीक कार्य ना करे, उसके ऊपर अंकुश लगाना, ये मेरी समझ में, हो सकता मैं गलत हो सकता हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। किसी भी कंट्री में आज तक ये यूनिक चीज है, यूनिक मुहिम उठाई गई, जिन लोगों के द्वारा उठाई गई है, मैं उनका अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिन लोगों ने बहुत कार्य किया है, हमारे जूनियर्स, जूनियर्स तो सर के हैं, माय लॉर्ड के, लेकिन हमारे भी जूनियर्स हैं, चूंकि हमारे कुलीग हैं, तो इनकी मेहनत और लगन जो मैंने देखी, जो हेजिटेशन नहीं है, वो इनको आगे बढ़ाएगा। और ये गर्व से कहेंगे कि हम ओझा साहब के चैंबर से हैं, अग्रवाल साहब से अटैच हैं। सर जी, हमारी टीम जो है ना प्रोसिक्यूशन की, वो पावरफुल प्रोसिक्यूशन टीम है, किसी से नहीं डरती। नहीं, ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे सामने भी एमाइकस का एक मैटर आया सुप्रीम कोर्ट में, और भी कई मैटर्स आए। एक आया हारू घोष वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2009। उस व्यक्ति ने दो मर्डर किए थे, मां और बेटे का। बेटे को गले से वो दबा करके, और उसके ब्लडिंग भी आ गई थी। उसका 140 पेज का जजमेंट था ट्रायल कोर्ट का, और हाई कोर्ट का भी मेरी समझ में 60-70 पेज का था। जब मैं उसको पढ़ रहा था, फांसी का मेरे जीवन में सबसे पहला केस वही था, तो एमाइकस था, तो इसलिए मैंने सोचा मेरा धर्म है कि इसकी रक्षा करना। लेकिन जब मैं उसको पढ़ रहा था, तो मेरी आत्मा कांप गई थी कि एक 12 साल के छोटे से बच्चे को उसके गला पकड़ के और उसके मुंह से ब्लीडिंग, और उसके प्राण को कितना कष्ट हुआ होगा, शरीर को उसकी कल्पना नहीं हो सकती। हालांकि मैं माइकस था, उस व्यक्ति को उसकी फांसी भी स्टे हुई भंडारी साहब की कोर्ट से, अब तो इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस हैं।
और उसकी फांसी भी आगे नहीं हुई, स्टे भी कराई और फाइनल भी हो गया जजमेंट, उसको आजीवन कारावास हुआ। इसको मैं सफलता नहीं मानता, क्योंकि वो अब तो मैं उस केस से अलग हूं, उसको भी फांसी ही होनी थी, होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसा कि ये हमारे सहारा वाले केसेस में अपने पैसे दिए, तो नेचुरली गुस्सा जाहिर है, गुस्सा आएगा व्यक्ति को। उसी प्रकार हारू घोष के मामले में उसने बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि उसको शर्माएदार लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा उसको लीकर के केस में फंसाया गया, और फंसाने के बाद उसने मर्डर तो किया, नो डाउट। तो व्यक्ति अपराधी कोई नहीं होता, कोई जैसा कि ओझा साहब ने बताया, मेरे को गुस्सा आता है या औरों को भी गुस्सा, सबको आता है, आना भी चाहिए नेचुरल, लेकिन कोई कंट्रोल करके कोई कागज पे उतार देता है, कोई किसी और उसका तरीका, जो प्रोसीजर है उस हिसाब से, हम लोग एडवोकेट हैं तो हम लोग उसके हिसाब से, जो कम पढ़े लिखा ऑल ऑफ सडन अगर वो सोच नहीं सकता, जैसे ऑल ऑफ सडन कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो ये जो मुहिम उठाई गई, तो मुझे बहुत ये चीज मुझे भी अच्छी लगी, और सुशांत राजपूत के मामले में जो उसके मामले में जो साक्ष्य दिए गए वो पूरी तरीके से और पुख्ता हैं, वो मैंने पूरा कल भी सुना था और आज भी मैंने सुना है, लेकिन ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोर्ट को सो मोटो क्यों नहीं लेना चाहिए।